जैन साथियों, एसएससी एमटीएस का इंतजार कर रहे हैं बच्चे। उनका बार बार कमेंट में क्वेश्चन यही रहता है कि एसएससी एमटीएस की वैकेंसी अभी तक क्यों नहीं आई है। एसएससी जीडी के कैलेंडर के अनुसार अगर देखें तो इसका आपका नोटिफिकेशन 7 मई 2024 को आना था। फॉर्म स्टार्ट हो जाने चाहिए थे 7 मई से और इसकी अंतिम तिथि 6 जून 2024 रखी गई थी उसके नोटिफिकेशन के अनुसार। और इसका एग्ज़ाम भी पहले से ही तय था, इसका एग्ज़ाम जुलाई अगस्त 2024 में होना था, लेकिन अभी तक वैकेंसी का नोटिफिकेशन भी नहीं आया है और ना ही फॉर्म स्टार्ट हुए हैं, तो इसकी देरी क्यों हो रही है उसके बारे में बात करेंगे। तो आपके जो एमटीएस है, आपका मल्टीटास्किंग स्टाफ होता है जो कि नॉन टेक्निकल होता है, आपके स्टाफ के साथ साथ एमटीएस के साथ साथ आपकी वैकेंसी हवलदार भी होती है इसमें, और ये आपकी 2024 की वैकेंसी इतनी लेट क्यों हो रही है इस पर बात करते हैं, और इसका एग्ज़ाम कब होगा, फॉर्म इसके स्टार्ट कब से होंगे। और साथियों, ये आपकी लेवल 1 की जॉब होती है, इसमें आपका कोई भी फिजिकल मेजरमेंट नहीं होता है। हवलदार के लिए कुछ क्राइटेरिया रखा गया है लेकिन बाकी की पोस्टों के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं रखा गया है, इसलिए सबसे ज़्यादा इसको प्रेफर किया जाता है। इसमें ना कोई हाइट होती है, ना रनिंग, ना कोई फिजिकल होता है इसमें। अब बात आती है कि एसएससी एमटीएस का फॉर्म क्यों नहीं हुए स्टार्ट और कब तक स्टार्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि इसमें क्यों देरी हो रही है और इसका कारण क्या है। इसका कारण यह है साथियों कि चुनाव चल रहे हैं, पूरे भारत में चुनाव चल रहे हैं, जिसका रिजल्ट आपका 4 जून को आना है। तो उसके बाद आपका उसके बाद ये देखते हैं कि एसएससी एमटीएस पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि निर्वाचन आयोग ने भी कहा था कि आपकी किसी भी भर्ती पे चुनाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में आपका चुनाव है 25 मई का, तो उसका चुनाव होना है 25 मई को, तो उसके जितने भी सरकारी विभाग हैं सभी की ड्यूटी आपकी इलेक्शन में लगती है, तो वो अपने अपने जो ऑफिस वर्क है उसको भी करने में असमर्थ हैं, पूरी तरह सुचारू रूप से नहीं कर पा रहे हैं। और ये आपका एसएससी एमटीएस का भी देखा जाए तो एसएससी एमटीएस के बारे में कैसे वर्किंग हो पाएगी, उसके लिए भी तो मैन पावर की ज़रूरत होती है, उसके लिए भी तो अधिकारी चाहिए, कर्मचारी चाहिए, जो कि आपके सभी चुनाव में लगे हुए हैं। तो इससे आपका सीधा सीधा अनुमान लगता है कि आपका 25 मई के बाद ही आपका नोटिफिकेशन आना है। अगर ये लेट होता है तो आपका जून के 1st वीक में आपका अवश्य ही आ जाना चाहिए, अगर चुनाव की वजह से देरी हो रही है तो। साथियों, जब तक अपनी तैयारी पर आप विशेष ध्यान दीजिए, उसके मोटिवेशन के लिए आपको मैं इसकी सैलरी और इसके पेपर पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेसिंग और पिछली भर्तियों के कितने फॉर्म भरे गए थे, कितने सिलेक्शन हुए थे, उसके बारे में बात करता हूँ। तो सबसे पहले आपको बताते हैं 2020 की। 2020 में आपके 3972 वैकेंसियाँ थीं जिसके लिए 45 लाख फॉर्म भरे गए थे। 2021 की बात करें तो 7739 आपकी वैकेंसी थी और जिसके लिए 39 लाख फॉर्म भरे गए थे। ये आपके 39 लाख जो फॉर्म है अप्रॉक्स में बता रहा हूँ, क्योंकि आगे भी कुछ संख्या थी तो अप्रॉक्स में आपके ये देख सकते हैं। 2022 में 12523 वैकेंसियाँ थी और इसके अप्रॉक्स 55 लाख फॉर्म भरे गए थे। 2023 में अगर देखें तो मात्र 1558 वैकेंसियाँ निकली थी और फॉर्म है आपके 26 लाख के अप्रॉक्स फॉर्म भरे गए थे, लेकिन 1558 पे इतना कंपटीशन हो गया था मानो कि आप सीजीएल क्रैक कर लेंगे। 2024 में कितने निकल सकते हैं बात आती है इस पॉइंट पे। तो अगर अंदाज़ा लगाया जाए पिछली भर्तियों के, तो इस बार 5 से 6 हज़ार वैकेंसी आपकी निकलनी चाहिए एसएससी एमटीएस की, इसके साथ साथ आपकी हवलदार की भी निकलती हैं। इसमें सिलेक्शन लेने का अच्छा मौका रहता है सभी के लिए, क्योंकि इसमें आपकी हाइट, वेट और कोई भी फिजिकल मेजरमेंट नहीं रहता है। और देखते हैं इसकी आपकी सैलरी क्या होती है, जिससे कि आपको मोटिवेशन मिले तैयारी करने का। तो इसकी एमटीएस की सैलरी देखते हैं, अगर कोई नया कोई कैंडिडेट भर्ती होता है एमटीएस में, और इसकी ऑल इंडिया कहीं पर भी पोस्टिंग हो सकती है एमटीएस की। इसमें अपॉर्चुनिटी ज़्यादातर दिल्ली की रहती है, लेकिन आपकी पोस्टिंग कहीं भी ऑल इंडिया हो सकती है। इसकी सैलरी देखते हैं, इसका बेसिक पे रहता है आपका 18,000, डीए आपका होता है 9,000, टीपीटी आपका होता है अलाउंस, टीपीटी अलाउंस होता है आपका 2525 रुपये, एचआरए आपका 5400 रुपये, कहीं कहीं 5000 रुपये भी होता है, सिटी के ऊपर होता है, फर्स्ट क्लास सिटी है या सेकंड या थर्ड। लगभग आपकी सैलरी, फर्स्ट सैलरी आपकी 35,000 रुपये बन जाती है। इसमें से आपके कुछ चार्ज कटते हैं, जैसे एनपीएस कटता है और आपके सीजीएस के 250 रुपये कटते हैं, तो आपकी इन हैंड आपकी सैलरी 32,000 रुपये के करीब आपकी बन जाती है फर्स्ट सैलरी। अब बात करते हैं साथियों इसकी सिलेक्शन प्रोसेसिंग की। सिलेक्शन प्रोसेसिंग में देखेंगे, इसके आपका पेपर तो एक ही माना जाता है, एक ही बार होता है,
लेकिन इसके दो सेशन होते हैं 45-45 मिनट के। फर्स्ट सेशन आपका केवल क्वालिफाई होता है, केवल आपको पास करना होता है। फर्स्ट जो पेपर होता है आपका 45 मिनट का, उसके ठीक 5 मिनट का गैप देकर आपका तुरंत दूसरा पेपर दे दिया जाता है, उसको करना होता है आपका। लगातार आपको 1.5 घंटे बैठना होता है। और साथियों, 45 आपका ये 45 मिनट का पेपर होने के बाद ये नहीं होता है कि आपकी कॉपी चेक होगी, आपको दोनों पेपर होते हैं, आपका रिजल्ट बाद में पता चलता है। पहला आपका क्वालिफाई पेपर होता है, पेपर दोनों ही सभी देते हैं। पहले में क्वालिफाई करने के लिए आपको जनरल वालों को 30% और OBC EWS वालों को 25% नंबर लाने होते हैं, अदर कैटेगरी के लिए 20% नंबर लाने होते हैं। फर्स्ट सेशन की बात करें, इसमें क्या पूछा जाता है एग्ज़ाम में, कितने प्रश्न होते हैं, कितने नंबर के होते हैं, उसकी बात करते हैं। तो आपके मैथ और रीजनिंग के इसमें आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। फर्स्ट सेशन में 20-20 प्रश्न होते हैं दोनों के, मैथ के 20 और रीजनिंग के 20, 60 नंबर के आपके प्रश्न होते हैं। अगर आप 6 प्रश्न भी सही करते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाते हैं इसमें। आपका समय वही 45 मिनट रहता है, 45 मिनट आपका सेकंड सेशन के लिए रहता है। सेकंड सेशन की बात करें, सेकंड सेशन में क्या पूछा जाता है, सेकंड सेशन में आपके लिए जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर होता है। जनरल अवेयरनेस के 25 प्रश्न और इंग्लिश लैंग्वेज के भी आपके 25 प्रश्न रहते हैं। आपके ये 75-75 नंबर के रहते हैं, आपके टोटल हो जाते हैं 150 नंबर। आपकी जो मेरिट बनती है आपकी सेकंड सेशन पे ही बनती है, फर्स्ट पेपर आपका केवल क्वालिफाई रहता है। 150 नंबर में से जो कैंडिडेट हाईएस्ट नंबर लाता है उसका सिलेक्शन इसमें हो जाता है। आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है, केवल वो क्वालिफाई रहता है। सेकंड सेशन की बात करें तो आपके सेकंड सेशन में आपकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग कह सकते हैं, क्योंकि आपके एक प्रश्न के सही होने पर आपको 3 नंबर मिलते हैं। अगर आपका एक प्रश्न गलत होता है तो उसमें से आपका 1 नंबर काट लिया जाता है। तो इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग 1/3 की रहती है। साथियों, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत साथियों।